अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये ब्यूटीफुल लेस डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसे मैंने कॉटन के थ्रेड से बनाया है। ये कॉटन का थ्रेड है शिल्पा क्रोचेट थ्रेड, जिसका मैंने कुछ दिनों पहले रिव्यू किया था कि आप इसे किस तरीके से बाय कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप शिल्पा अरबीना 10 मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप वो वीडियो चेक ज़रूर करना, ऊपर आई बटन पर मैं लिंक लगा दूंगी, वहाँ से आप वो वीडियो चेक करके, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके ये थ्रेड परचेज़ कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं शिल्पा क्रोचेट थ्रेड्स का इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगी, उसके थ्रू आप ये थ्रेड्स परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने इसमें जो बीट्स यूज़ किए हैं, इसे अगर आपको धागे में डालना नहीं आता है तो इस पर भी मैंने फुल वीडियो दी है। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की है तो प्लीज़ चेक कर ले, वो भी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेस को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर, जहाँ पर भी आप इस लेस को बना रहे, लाइक दुपट्टा है, रुमाल है, ड्रेस का दामन है, स्लीव्स है, आपको पहले इस तरीके से सिंगल क्रोचेट लेते हुए ये देखिए पूरी लाइन आपको कंप्लीट करनी है। पूरी लाइन इट मींस कि आप जितनी लेस की लेंथ बना रहे हैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से वन सिंगल क्रोचेट लेते हुए पूरी लाइन पहले कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद में मैंने यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट की है। अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो आप YouTube पर सर्च करें, जो मेरे चैनल का नाम है इंडियन क्रोचेट पैटर्न्स, और उसके बाद में आप सर्च करें सिंगल क्रोचेट स्टिच, तो आपको मेरी ये वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रो हो गया, अब हम जल्दी से डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने दो राउंड्स बना लिए हैं। आप ऐसे इमेजिन करें कि आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। इसे सबसे पहले हम पहले कुछ सिंगल क्रोचेट ले लेंगे। जब आप स्टार्ट करोगे तो पहले आप एक अटैच कर लोगे, उसके बाद में आपको इस तरीके से सिंगल क्रोचेट लेना है। मैं थोड़ा सा कैमरा जूम कर दूं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख सके। ओके, सो वन सिंगल क्रोचेट मैंने ले लिया, टू, थ्री, फोर एंड फाइव टाइम हमें यहाँ पर सिंगल क्रोचेट लेना है। अब जहाँ से भी स्टार्ट करोगे पहले आपको इस तरीके से 5 टाइम सिंगल क्रोचेट ले लेना है। उसके बाद में आपको नीडल पर धागा फोल्ड करना है और 1-2 गैप छोड़कर थर्ड गैप में हम डबल क्रोचेट ले लेंगे। नीडल पर हमने धागा फोल्ड कर लिया है, 2 गैप छोड़कर थर्ड गैप में हम डबल क्रोचेट ले लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। एक ही गैप में हमने 9 टाइम्स डबल क्रोचेट ले लिए। अब हम फिर से 2 गैप छोड़कर थर्ड गैप में अटैच कर लेंगे। सिंपली हमें अटैच कर लेना है थर्ड गैप में। अब ये हमारा फर्स्ट राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, बीट्स को साइड में कर लेंगे ताकि हमें नेक्स्ट लाइन में इसे यूज़ करना है। फिर से हम 2 टाइम्स सिंगल क्रोचेट ले लेंगे, 1 एंड 2 नेक्स्ट गैप में ले रहे हैं हम। नेक्स्ट 2 गैप में हमने 1-1 टाइम सिंगल क्रोचेट ले लिया है। ओके, सो अब हमें टर्न लेना है। अब जो हमने ये 9 टाइम्स डबल क्रोचेट लिए हैं उन पर हमें 9 टाइम्स डबल क्रोचेट विथ 1-1 चैन लेते जाना है। आगे पढ़ने से पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सो अब मैं फर्स्ट डबल क्रोचेट के ऊपर हम डबल क्रोचेट ले लेंगे, फिर हम 1 चैन ले लेंगे, फिर नेक्स्ट डबल फिर से हम नेक्स्ट गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट ले लेंगे, फिर हमें 1 चैन लेना है, फिर नेक्स्ट गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट ले लेंगे,
इस तरीके से, फिर वन चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में वन टाइम डबल क्रोचेट ले लेंगे, फिर वन चैन लेंगे, देन नेक्स्ट चैन में वन टाइम डबल क्रोचेट, इसी तरीके से नाइन टाइम्स डबल क्रोचेट पर हम जो नीचे नाइन टाइम्स हमने डबल क्रोचेट लिए हैं उन पर हमारे नाइन टाइम्स डबल क्रोचेट प्लस नाइन चैन्स आ जाएगी और हमारा राउंड कंप्लीट होगा। फिर वन चैन, फिर नेक्स्ट गैप में वन टाइम डबल क्रोचेट, इसी तरीके से ये कंप्लीट करेंगे हम। ये नाइन्थ गैप ये रहा। जब आप नाइन टाइम्स डबल क्रोचेट और नाइन चैन्स ले लो उसके बाद में आपको क्या करना है, टू गैप छोड़कर थर्ड गैप में आपको सिंपली अटैच कर लेना है जो हमने यहाँ पर फाइव टाइम सिंगल क्रोचेट लिया था उसमें। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम वन चैन लेकर टर्न ले लेंगे। टर्न लेने के बाद पहले हम एक मोती निकाल लेंगे इस तरफ। एक मोती हमें यहाँ पर कर लेना है। अब मोती को हम यहाँ पर नीडल के नीचे रखेंगे और धागा लेकर ये जो धागा है उसमें से हम बाहर आ जाएंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस में मोती लगाना बताया है आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लें। अब हम जो हमारा डबल क्रोचेट है उस पर हम अटैच कर लेंगे। फिर जो गैप है उसमें हम गैप में हम वन टाइम सिंगल क्रोचेट सिंपली ले लेंगे। फिर हम एक मोती को इस तरफ ले लेंगे, फिर हमें एक मोती लगाना है। इस तरीके से आप मोती लगा ले फिर से, फिर आपको डबल क्रोचेट के ऊपर फिर से डबल क्रोचेट ले लें, सिंगल क्रोचेट लेना है इस तरीके से। अब हम फिर से एक बीड ले लेंगे इस तरफ। बीड्स लगाने के बाद हम फिर से जो गैप दिख रहा है उसमें हम वन टाइम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे, फिर हम एक मोती इस तरफ ले लेंगे, फिर मोती को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। फिर जो डबल क्रोचेट है उस पर हम अटैच कर लेंगे सिंगल क्रोचेट से। फिर एक गैप दिख रहा है उसमें हम वन टाइम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आप कंटिन्यू फॉलो करें। अब हमें टोटल जो नाइन डबल क्रोचेट हमारे हैं उन पर हमें डबल क्रोचेट लेना है। इस तरीके से आप मोती को अटैच कर लो। फिर डबल क्रोचेट दिख रहा है उस पर हम अटैच कर लेंगे। फिर नेक्स्ट गैप में हम सिंपली सिंगल क्रोचेट ले लेंगे। फिर एक मोती हम इस तरफ ले लेंगे। फिर जो डबल क्रोचेट दिख रहा है उस पर हम अटैच कर लेंगे। फिर गैप में हम अटैच कर लेंगे। फिर एक मोती ले लेंगे। इसी तरीके से नाइन टाइम्स हमें कंटिन्यू फॉलो करना है। फिर डबल क्रोचेट पर अटैच कर लेंगे। फिर गैप में सिंपली अटैच कर लेंगे। गैप में अटैच करने के बाद हमें मोती लेना है, इस बात का आप ध्यान रखें ताकि वो मोती बराबर डबल क्रोचेट के ऊपर ही आए जब हम अटैच करेंगे। फिर गैप में अटैच कर लेना है, फिर मोती ले लेना है। बहुत ही सिंपल और ईजी सी डिज़ाइन है, ब्यूटीफुल लगती है देखने में। ऐसे लगता है कि थोड़ी हार्ड होगी बट ऐसे कुछ नहीं है गाइज। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट गैप में हमने सिंपली सिंगल क्रोचेट ले लिया एंड लास्ट बीड हम अटैच कर लेंगे एंड जो डबल क्रोचेट है उस पर हम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे एंड डन। उसके बाद में हम जो यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे, अब यहाँ पर जो अटैच है उसमें हम सिंगल क्रोचेट है उसमें हम अटैच कर लेंगे। उसके बाद में अब हम और फाइव सिंगल क्रोचेट ले लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। उसके बाद में आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। वन टू
थ्री फोर एंड ये फाइव, डन। अब ये देखें इसका ये फाइनल लुक है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आई होप मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। फिर से हम ये वाला राउंड अब हम यहाँ पर बनाएंगे और यही राउंड हम फिर से आपको बनाकर एक और बता देंगे, ताकि ऐसे ना हो कि आपको फर्स्ट इसमें जो भी डाउट्स हो वो सेकेंड इसमें क्लियर हो जाए। फाइव सिंगल क्रोचेट लेने के बाद हम वन टू एंड थर्ड गैप में हम नाइन टाइम्स डबल क्रोचेट लेंगे। वन टू थ्री, एक ही गैप में हमें नौ बार डबल क्रोचेट लेना है। फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड ये नाइन, नाइन टाइम्स डबल क्रोचेट लेने के बाद टू गैप छोड़कर थर्ड गैप में हम फिर से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम फिर से टू टाइम्स नेक्स्ट दो गैप में वन वन सिंगल क्रोचेट ले लेंगे, वन एंड टू। अब हम टर्न ले लेंगे, टर्न लेने के बाद जो वन जो नाइन हमने डबल क्रोचेट लिए हैं उन पर हम फिर से नाइन टाइम्स डबल क्रोचेट ले लेंगे, लेकिन बीच बीच में एक हमें चैन लेते जाना है आगे बढ़ने के लिए। डबल क्रोचेट ले लिया, फिर हमने एक चैन लिया, फिर नेक्स्ट गैप में हम वन टाइम डबल क्रोचेट ले लेंगे, फिर वन चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट गैप में वन टाइम डबल क्रोचेट ले लेंगे, फिर वन चैन, देन नेक्स्ट गैप में वन टाइम डबल क्रोचेट, देन वन चैन, देन वन टाइम डबल क्रोचेट। इसी तरीके से हम नाइन टाइम्स डबल क्रोचेट के ऊपर नाइन टाइम्स डबल क्रोचेट विथ नाइन चैन ले लेंगे। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसी तरीके से थोड़ा सा मैं स्पीड कर देती हूँ ताकि सेम प्रोसेस ही है, आपको कोई कन्फ्यूजन ना होगी। वन डबल क्रोचेट, वन चैन एंड लास्ट वन डबल क्रोचेट। जब आप नाइन टाइम्स इस तरीके से बना लो तब आपको दो गैप छोड़कर थर्ड गैप में अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद आपको लेनी है वन चैन। फिर हम फ्रंट साइड में आ जाएंगे, लेकर हम टर्न हो गए हैं। अब हम वन बीट डालेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, डबल क्रोचेट के ऊपर एक मोती आना चाहिए। एक बीट को हम इस तरीके से यहाँ पर लॉक कर लेंगे और जो डबल क्रोचेट हमारा फर्स्ट दिख रहा है हमें, उस पर हम सिंगल क्रोचेट से इसे अटैच कर लेंगे इस तरीके से। फिर हमें एक वन चैन का गैप दिखेगा, उस गैप में हम सिंपली वन सिंगल क्रोचेट ले लेंगे, देन वन वन बीट यहाँ पर अटैच कर लेंगे। फिर डबल क्रोचेट दिख रहा है, उस पर हम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में हम वन टाइम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे, फिर एक मोती यहाँ पर कर लेंगे, फिर डबल क्रोचेट के ऊपर अटैच कर लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में आप सिंगल क्रोचेट ले लो, फिर एक मोती यहाँ पर कर लेंगे, अटैच करना है डबल क्रोचेट पर, सिंगल क्रोचेट से अटैच करना है एंड गैप में भी अटैच कर लेना है। इसी तरीके से हम टोटल नाइन बीट्स आपको लगाकर बताते हैं। इसी तरीके से आप कंटिन्यू लगाते जाए। सो ये देखिए यहाँ पर हमने नाइन बीट्स लगा ली है। अब सिंपली हमें अटैच करके आगे बढ़ना होता है। नेक्स्ट गैप में हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे लाइक सिंगल क्रोचेट। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से फाइव टाइम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। और ये देखें इसका लुक। आई होप मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया हो और आप लोगों की समझ में भी आया हो। कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके लाइक और शेयर करने से मुझे
बहुत हेल्प होती है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं या आप मुझे फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और सब्सक्राइबर भी है ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन है जो मेरी वीडियोज़ देखता है, ताकि मैं जब भी गिव अवे रखूँ तो मुझे विनर सिलेक्ट करने में आसानी हो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं विनर का नाम अनाउंस करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइज़।